Hello student, in last topic we discussed about the pteridophyta और pteridophyta के बाद next जो हम पढ़ेंगे वो आता है यहाँ पर phanerogams और phanerogams में तो first आएगा वो आता है gymnosperm। हम अभी पढ़ रहे हैं phanerogams जिसके बारे में हम already पीछे discuss कर चुके हैं। phanerogams क्या होते हैं? phanerogams होते हैं ये वो प्लांट होते हैं जो सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, उन्हें कहते हैं पेनेरोगैम्स। और जो लास्ट में हमने पढ़े वो होते हैं क्रिप्टोगैम्स, यानी जो नॉन सीड बियरिंग प्लांट होते हैं उन्हें कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। अब जो सीड बियरिंग प्लांट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म एक होता है एंजियोस्पर्म। तो हम यहाँ पे टेरिडोफाइट के बाद जो फर्स्ट आता है इसके बाद यानी सीड बियरिंग प्लांट में मैं डायरेक्टली यहाँ पे नंबर 4 डाल रहा हूँ पेनेरोगैम्स में, इसे पीछे क्रिप्टोगैम्स 3 इसमें लिखेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म देखो जिम्नो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मीन होता है नेक्ड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। जिम्नो मीन नेक्ड, स्पर्म मीन स्पर्मा मीन सीड, तो इट्स मीन नेक्ड सीड। इनके जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, मीन इसके अंदर ओवरी तो होती है वो एब्सेंट होने के कारण आपको इसके अंदर पेरिकार्प नहीं मिलेगी। पेरिकार्प क्या होती है? पेरिकार्प जैसे एक फ्रूट के एक आउटर कवरिंग होती है, और जो फ्रूट की आउटर कवरिंग होती है उसे कहते हैं पेरिकार्प। और पेरिकार्प जब बनती है जब ओवरी की वॉल होती है, ओवेरियन वॉल होती है उससे बनती है। बट ये होते नॉन फ्लावरिंग प्लांट, इनमें ओवरी तो होती है एब्सेंट होती है, इसी वजह से इनके अंदर पेरिकार्प नहीं मिलेगी, सिर्फ सीड मिलेंगी और सीड डायरेक्टली ऊपर मिलेंगे एटमॉस्फेयर में। तो इसी वजह से इन्हें कहते हैं यहां पे नेक्ड सीड। ये क्या होता है? दे आर नेक्ड सीड प्लांट, नेक्ड सीड प्लांट, ये नेक्ड सीड प्लांट हो गए। और ये इजिली ग्रो होते हैं, कहां पे ग्रो होंगे? ग्रोइंग इन हिली रीजन, जो हिली रीजन होते हैं उसमें, एंड कोस्टलाइन एरिया, जो और जो सी एरिया होता है यानी सी के राउंड में जो एरिया होता है कोस्टलाइन एरिया, कोस्टलाइन एरिया के अराउंड भी जनरली ग्रो होते हैं। और ये क्या होता है? दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट, दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट ऑफ मीन इनके अंदर आपको फ्लावर प्रेजेंट नहीं मिलेगा, इनके अंदर फ्लावर क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इसी कारण ये क्या होता है? दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट, अब इनमें फ्लावर तो एब्सेंट मिलेगा, अब सीड इसमें नेक्ड मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? नेक्ड सीड बिकॉज ओवरी, नेक्ड सीड बिकॉज ओवरी एब्सेंट। अब ओवरी एब्सेंट होगी तो फ्रूट नहीं बनेगा, और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉपरली फ्रूट जो होता है वो डेवलप नहीं होता है, यहाँ पे उसकी विदाउट कवरिंग नहीं बनती, इसलिए सीड क्या होता है? डायरेक्टली ओपन होते हैं, डायरेक्टली नेक्ड होते हैं इसमें, राइट। अब देखिए इसके बारे में, आगे ये तो होते हैं स्पेशली इसमें अगर कुछ एग्जांपल्स हम देखें, एग्जाम्पल्स साइकस होता है, पाइनस होता है, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल होते हैं इसके। अब तो साइकस होता है, साइकस को कई बार हम ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए भी यूज करते हैं, सजावट के लिए हमारे लॉन वगैरह में कॉमनली यूज होता है। ये क्या होता है इनके बारे में? जिम्नोस्पर्म कैन टॉलरेट
कंट्रोल रेट हाई टेम्परेचर, इनके जो लीफ होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, जनरली लीफ क्या होते हैं एवरग्रीन होते हैं, और ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि इनकी लीफ जो थे बहुत ज्यादा थिक मिलते हैं। साइकस हैज थिक लीव्स, साइकस क्या होते हैं लीव्स होते हैं काफी मोटे होते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है और उसमें भी वो सर्वाइव कर सकते हैं हाई टेम्परेचर में और कोई इतनी ड्राई नहीं होते राइट। और एवरग्रीन लीफ होते हैं इनके, और इनके जो लीफ टाइप का जो लीफ टाइप होते हैं वो लीफ टाइप इसमें जनरली दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल होते हैं कंपाउंड होते हैं। सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप इस तरह देखोगे आपको इस तरह दिखाई दिया तो ये सिंपल टाइप का लीफ है। अगर आप इसी लीफ को चेंज कर दो यहां पे, अगर आपको इस तरह दिखाई दे रही है लीफ लाइक दिस, ये इस तरह से, तो इसका कंपाउंड देख, ये कंप्लीट एक लीफ है लेकिन ये इस तरह से नहीं होता, इसके बीच में थोड़ी लीफ्स लीफलेट्स होती हैं, ऐसे लीफों को बोलते हैं कंपाउंड। तो इनके अंदर क्या होता है, दोनों तरह के लीफ होंगे सिंपल और कंपाउंड, बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ प्रेजेंट। और जो साइकस के लीफ होते हैं वो काफी ज्यादा स्पाइनी होते हैं, क्या होते हैं काफी ज्यादा स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर मेल और फीमेल कोन की बात करते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है, माइक्रोस्पोरोफिल क्या करता है, ये मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, इसे कहते हैं पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरोफिल इज मेल मेल कोन, कोन का मतलब होता है फ्रूटिंग बॉडी, नॉट फ्रूट, इसे फ्रूटिंग बॉडी कोन या स्ट्रोबिलम कहते हैं, स्ट्रोबिलम जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था। माइक्रोस्पोरोफिल इज मेल कोन और स्ट्रोबिलम which produce pollen grain, जो pollen grain होते male gamete उनको produce करता है pollen grains। ऐसे उसके अंदर होता है यहां पे, अगर देखें macrosporophyll में, macrosporophyll में क्या होता है, ये फीमेल गैमेट होता है, क्या होता है इट्स फीमेल कॉल, फीमेल कॉल या स्ट्रोबली कहते हैं, फीमेल स्ट्रोबली राइट, फीमेल कॉल या फीमेल स्ट्रोबली होगा विच प्रोड्यूस, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, विच प्रोड्यूस एग, जो क्या प्रोड्यूस करता है, एग को प्रोड्यूस करता है, एग तो सेल्स होती है यानी फीमेल गैमेट होता है उसको प्रोड्यूस करता है ये यहां पे। तो ये तो इसके बारे में, मैक्रोस्पोरोफिल के बारे में। अब तो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन में जो स्पेशली साइकस में तो पोलन ग्रेन बनते हैं वो येलोइश कलर के बनते हैं और वो इतने ज्यादा ह्यूज बनते हैं, मेल गैमेट जो बनते हैं वो इतने ज्यादा ह्यूज बनते हैं कि हवा के अंदर जब वो पोल्यूशन होगा तो पूरे हवा में वीक्स लाइफ स्ट्रक्चर में यानी अराउंड में फैल जाएंगे और वो ऐसे दिखाई देंगे जैसे येलोइश कलर की रेन हो रही हो, बारिश हो रही हो, तो इसी कारण से उसे कहते हैं सल्फर रेन। साइकस रिलीज येलो कलर पोलन रेन्स, क्या करता है, ये येलो कलर के पोलन ग्रेन्स रिलीज करता है विच लुक लाइक सल्फर रेन, यानी जैसे येलो कलर की बारिश हो रही है सल्फर रेन,
और कैसे दिखाई देंगे वो, सल्फर की रेन की जैसे दिखाई देंगे वहां पे, जैसे सल्फर की रेन होती है। तो ऐसा क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि आपको सल्फर रेन किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे साइकस के अंदर जो मेन गैमेट बनते हैं पोलन गेट, जब पोलिनेट करते हैं एयर के द्वारा, तो उसके जो विंग्स होते हैं वो उसके पोलिनेट होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं सल्फर की तरह रेन हो रही है, और बहुत सारे नंबर में जाते हैं और उन्हें कहते हैं सल्फर रेन, बहुत सारे फैल जाएंगे अराउंड पोलिनेट्स और हवा में उड़ने लग जाएंगे इधर उधर, तो वो अपीयरिंग होती है सल्फर रेन जैसी अपीयरिंग देता है। और साइकस में कई ऐसे मेंबर हैं जो यहां पे सिम्बायोटिक रिलेशन अपनाते हैं, साइकस मेक सिम्बायोटिक रिलेशन विद साइनोबैक्टीरिया। यहां पे क्या होता है, साइकस जो होता है साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलता है, साइनोबैक्टीरिया ये बैक्टीरिया होते हैं इनके साथ में रहता है साइनोबैक्टीरिया के साथ में, और किसे साथ में रहेगा, और इन दोनों की जो रिलेशन होती है, दोनों की रिलेशन को बोलते हैं यहां पे, दोनों की रिलेशन को एक सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब होता है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, और दोनों रिलेशन को बोलते हैं साइक्लोइड। तो क्वेश्चन यहां का सकता है कि साइक्लोइड क्या होता है, साइक्लोइड मतलब साइनोबैक्टीरिया और साइकस के बीच में जो रिलेशन होती है उसे कहते हैं साइक्लोइड, क्या बोलते हैं साइक्लोइड। अब इसका पर्पज क्या होता है साइक्लोइड का, साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, एंड साइकस प्रोवाइड, साइकस प्रोवाइड फूड टू साइनोबैक्टीरिया। आप देखिए दोनों को बेनिफिट हो रहे हैं यहां पे, अब साइनोबैक्टीरिया को बेनिफिट हो रहा है, साइकस को बेनिफिट हो रहा है, साइनोबैक्टीरिया को ये बेनिफिट हो रहा है कि प्लांट क्या दे रहा है उसको, फूड दे रहा है, तो इसका बेनिफिट होगा क्योंकि साइकस क्या देगा फूड देगा, और साइकस को क्या बेनिफिट होगा, साइकस इसके लिए साइनोबैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहा है साइकस को नाइट्रोजन दे रहा है एटमोस्फेयर से, जो प्लांट को ग्रो होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है नाइट्रोजन वो प्रोवाइड कर रहा है, इसी वजह से एसिडेशन इसमें दोनों का बेनिफिट बताओ, यानी दोनों ही बेनिफिट होती है, एसिडेशन क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, तो साइकस और साइकस के बीच में और साइनोबैक्टीरिया के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन मिलती है, इसमें दोनों का बेनिफिट होता है, साइकस जो होता है वो उसको फूड देगा और साइनोबैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देगा। ऐसे ही आपको पाइनस केस में देखने को मिलेगी, पाइनस में क्या होता है, जो पाइनस होता है पाइनस में सिम्बायोटिक रिलेशन विद माइक्रोजा फंगस, ये क्वेश्चन आ चुका है एनटीएस में, माइक्रोजा फंगस एक फंगस होती है, इसका नाम माइक्रोजा फंगस होती है, ये क्या करता है इस माइक्रोजा फंगस के साथ में रहता है, इस माइक्रोजा फंगस होती है इसके साथ में रहेगा पाइनस, और इसका क्या बेनिफिट होगा, यानी इन दोनों के बीच में क्या होती है सिम्बायोटिक होती है, इसमें सिम्बायोटिक का मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है, अब क्या बेनिफिट हो रहा है, माइक्रोजा फंगस अब्जॉर्ब, माइक्रोजा फंगस क्या करके अब्जॉर्ब फॉस्फोरस एंड मिनरल्स, फॉस्फोरस एंड मिनरल्स फ्रॉम सोयल, ये सोयल से अब्जॉर्ब करेगी, तो प्लांट के लिए क्या करती है फॉस्फोरस और मिनरल्स अब्जॉर्ब करती है प्लांट के लिए, एंड पाइनस जो होगा पाइनस प्रोवाइड फूड, प्रोवाइड फूड, फूड एंड सेंटर, और पाइनस इसको बदले में क्या देगा, ये इसके लिए फॉस्फोरस और मिनरल्स देगी, और पाइनस इसको क्या देगा प्रोवाइड फूड देगा इसको, एंड सेल्टर उसके रहने के लिए अपने रूट के ऊपर क्या देगा जगह देगा, इसके ऊपर अपने रूट के ऊपर क्या करता है इसको रहने के लिए जगह देता है,
तो दोनों का बेनिफिट हुआ, इसको फॉस्फोरस मिल रहा है और इसको सेंटर और फूड मिल रहा है, बोथ आर बेनिफिटेड। तो ये केस आपको दिखाई देते हैं साइकस के अंदर। और इनका लाइफ साइकिल की बात करें तो इनकी लाइफ भी जो होती है टू फेज में कंप्लीट होती है। जिम्नोस्पर्म लाइफ फेज कंप्लीट इन टू फेज, दो फेज में कंप्लीट होगी। और दो फेज कौन से होते हैं? वो दो फेज होते हैं यहां पे स्पोरोफिटिक, जो मैंने पीछे डिस्कस किया था, स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक राइट, तो दो फेज में कंप्लीट होती है इनकी लाइफ साइकिल। तो दैट इज अबाउट द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होता कंप्लीट, और नेक्स्ट हम करेंगे वो होता है एंजियोस्पर्म।